इसराइल से बेटे का कब्र बचाती मां का वीडियो वायरल। बेटे की कब्र के पास रोती बिलखती मां को इजरायली पुलिस ने घसीट के बाहर निकाला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर एक मां का अपने बेटे के कब्र पे रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हमने इसकी छानबीन की तो रॉयटर्स के हवाले से ये खबर मिली कि ओल्ड जेरूसलम में इजरायल सरकार द्वारा 100 साल से अधिक पुराने कब्रिस्तान अल यूसुफियत को तोड़कर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पलस्टीनियों का कहना है कि ये निर्माण अवैध है, जबकि इजरायली नगरपालिका का कहना है कि वहाँ मौजूद कब्रगाह को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब पार्क का निर्माण शुरू हुआ तो वहाँ से इंसानों की हड्डियाँ बाहर आने लगी, जिससे लोगों में डर बैठ गया है कि वो लोग कब्रिस्तान से भी छेड़छाड़ करेंगे। इसी के विरोध में लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में पलस्टीन की ओला नवाब तेह को कब्रिस्तान अल यूसुफियत से अपने बेटे की कब्रगाह से घसीट कर बाहर खींचा जा रहा है। वो अपने बेटे की कब्रगाह को टूटने से बचा रही थी। बताते चले कि उसके बेटे का कब्र वहाँ 4 सालों से मौजूद है। रॉयटर्स से बात करते हुए इस महिला ने कहा कि मेरे बेटे की कब्र को वहाँ से मेरी लाश पे से हटाना होगा। जेरूसलम के एक मेयर अरी किंग का कहना है कि कब्र को वहाँ से हटाने का कोई मकसद नहीं था और पुलिस उस महिला को इसलिए घसीट कर बाहर निकाली क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के बहुत नजदीक थी। उन्होंने आगे कहा कि जो हड्डियाँ मिली है वो सालों पहले यहाँ इलीगली दफनाई गयी थी। कानूनन तौर पे कब्रिस्तान के लिए जो जगह है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पार्क पलस्टीन को ओल्ड सिटी जाने में सुविधा उपलब्ध कराएगा। जेरूसलम के चीफ मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन का कहना है कि इस पार्क का निर्माण वहाँ मौजूद कब्रिस्तान के लिए घातक है। इंसानों की कब्र के साथ किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, सबको ये अधिकार है। आपको बताते चले कि जेरूसलम को अपने देश की राजधानी बनाने के लिए पलस्टीन और इसराइल में कई सालों से विवाद चला आ रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस घटना पे लोगों के क्या रिएक्शंस आए हैं, आइए जानते हैं। बारबरा मगियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ये शर्मिंदगी से भी बुरा है, कल्पना से परे है ये पाप। इस तरह के घिनौने काम को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है। अथर हुसैन नाम के एक यूजर ने लिखा है कि प्रवर्तन के नाम पे ह्यूमैनिटी को घसीटा जा रहा है। फातिमा नाम की एक यूजर ने उस वीडियो पर ये कहा है कि विश्व की अंतरात्मा की आवाज मर चुकी है और किसी कब्र में दफन है उस लाचार माँ के बेटे की तरह। इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे।